नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब के चैनल मेगा एडवाइजर में। अगर आपका डीमेट अकाउंट जेरोधा में है या फिर जेरोधा में आप डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जेरोधा ने अपना ब्रोकरेज चार्जेज जो है चेंज किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि आखिर जेरोधा ने कौन से ब्रोकरेज चार्जेज में चेंज किया है और कितना चेंज किया हुआ है, उससे हमारे इनकम पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जेरोधा में अगर आप ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जिसमें लाइव मैंने डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है वो बता रखा है। शेयर मार्केट से जुड़ी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बगल में जो बेल का आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए, मैं जेरोधा के साइट पे आ गया हूँ और यहाँ से ऑप्शन लेके मैं प्राइजिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं आपको यहाँ पे प्रूफ भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं हवा हवा में बात कर रहा हूँ। जेरोधा ने अपना चार्जेज चेंज किया हुआ है तो उसको आपको जानना चाहिए। फ्री इक्विटी डिलीवरी, इसमें कोई चेंजेज नहीं है। जो इक्विटी डिलीवरी के लिए जो चार्जेज हैं वो पहले से भी फ्री था, अभी भी फ्री है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। इंट्रा डे एंड एफओनो के लिए क्या बोल रहा है कि देख लीजिए, यहाँ पे फ्लैट 20 रुपया पहले भी था या फिर 0.03%। देखिए यहाँ ही पे चेंज किया है जेरोधा ने अपना प्लान और अपना ब्रोकरेज चार्ज, यानी कि बढ़ा दिया है। पहले यह चार्ज था 0.01 इंट्रा डे के लिए। तो जो भी आप अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन कर ले कि ऐसा नहीं कि आप जो है इसी रेंज में आ जा रहे हो, जो छोटे ट्रेडर हैं या फिर जो 5 रुपया 10 रुपया के बेनिफिट पे ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे संभल जाएंगे। तो चलिए ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे हम जाके देखते हैं कि जेरोधा ने जो चेंजेज किया है अपने ब्रोकरेज प्लान में तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक बार देख लेते हैं, ये जो प्लान है चेंजेज का इंटरडे पर ही है तो हम इंटरडे को ही देखेंगे। देखिए यहाँ पर बाई जो है प्राइज 1000 अगर माना जाए और सेल का प्राइज 1100 माना जाए तो कितना प्रॉफिट होगा इंट्राडे में ब्रोकरेज काटने के बाद, आप देख लीजिए। अगर हम 100 क्वांटिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए जो टर्नओवर है 210,000 का हो जा रहा है, तो इसका अगर आप 0.03% निकालेंगे तो 40 रुपये से ज़्यादा होगा, यानी कि 20 रुपये सेल पर, 20 रुपये बाई पे। तो मैक्सिमम चार्जेज यहाँ 20 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से 40 रुपये कट जाएगा। तो यहाँ पर तो हमें कोई यहाँ पे लॉसेस नहीं हो रहा है, सेम जो पहले का प्लान था वहीं पे हो रहा है। वहीं छोटे ट्रेडर के लिए जो बिगिनर हैं या फिर जो कम पैसे से ट्रेड करते हैं उनके लिए यहाँ पे फ़र्क पड़ सकता है। चलिए यह जो है मैं 10 कर देता हूँ इसको क्वांटिटी को। अब देखिए क्या फ़र्क पड़ रहा है, 21,000 का टर्नओवर हो गया। मान लीजिए छोटे ट्रेडर हैं आप, 10-20-30 हज़ार में आप ट्रेड करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ नुकसान होने वाला है। देखिए ब्रोकरेज जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 6.3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि 0.03% है। अगर यह चार्ज 0.01% होता पहले की तरह तो यहाँ पे आपको 2 रुपया 10 पैसा लगता है, यानी कि यह जो चार्ज है 3 गुना कर दिया गया है। तो यहाँ पे जेरोधा ने अपना जो है प्लान चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जेरोधा ने सिर्फ अपने ब्रोकरेज रेट में ही चेंज किया है, बाकी एसटीडी चार्ज और एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज, क्लियरिंग चार्ज, जीएसटी, ये सब सेवी चार्ज जो है सेम है। इन्होंने सिर्फ अपने ब्रोकरेज प्लान में ही चेंज किया है, जो कि 0.01 से बढ़ा के 0.03 कर दिया है। चलिए अगर आप जेरोधा के या फिर अन्य ब्रोकर सर्विस के सारे चार्जेज के बारे में जानना चाहते हैं, ब्रोकरेज चार्जेज के बारे में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रोकरेज का तो मैंने चर्चा कर लिया, एसटीडी चार्ज क्या होता है, यह कितना होता है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज कितना होता है, जीएसटी कितना होता है, सेवी चार्ज कितना होता है, अगर इसे आप चार्जेज का डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो है लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।